किस प्रकार से जीवों हाँ के कल्याण के लिए कार्य करती हैं इस संसार में, इस विषय पर हम 2 दिन की यह ऑनलाइन सेमिनार रखे हैं। दे रहे हैं, इसलिए मैं आप सभी का आभारी हूं और आज की इस चर्चा में सभी को हार्दिक स्वागत करता हूं। तो नवरात्रि की काल से शुरू हुई नवरात्रि की व्रत जो रखते हैं, जिसमें 9 दिन तक दुर्गा माता की आराधना होती है, व्रत रखते हैं। यह माया दुर्गा देवी एक कौन है और इस संसार में जीवों के साथ दुर्गा देवी की संबंध किस प्रकार है, और देवी दुर्गा माता दुर्गा जीवों के कल्याण के लिए इस संसार में किस प्रकार कार्य कर रही हैं, इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। तो मैं स्क्रीन पर वो स्लाइड शेयर करता हूं, उसके आधार पर ही हम चर्चा करेंगे। तो आज के जो कोर्स हम प्रारंभ करने जा रहे हैं, यह प्रस्तुति, यह प्रेजेंटेशन श्रील प्रभुपाद की शिक्षाओं पर आधारित है। श्रील प्रभुपाद के पुस्तकों के और हमारे पूर्व वैष्णव आचार्य के कुछ पुस्तकों के शिक्षाओं के आधार पर यह सेमिनार कोर्स हम चर्चा करने जा रहे हैं। श्रील प्रभुपाद इस्कॉन अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामी संघ के संस्थापक आचार्य हैं। तो आज के प्रेम विवर्त पुस्तक में माया देवी के परिचय के संबंध में यह बताया गया है, कृष्ण बहिर्मुख होइया भोग वांछा करे, निकटस्थ माया तारे झापटिया धरे। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के शब्द में कृष्ण भूली से जीव अनादि बहिर्मुख, अतए माया तारे जाए संसार आदि दुख। तो ये माया देवी वास्तव में दुर्गा देवी यह भगवान की दैवी शक्ति है, भगवान की दिव्य शक्ति। इस संबंध में भगवद गीता में भगवान कहते हैं, दैवी ही ऐसा गुणमयी मम माया दुरतया। भगवान की यह दैवी शक्ति, दैवी ही ऐसा गुणमयी, ये त्रिगुणात्मिका तीन गुण वाली दैवी माया शक्ति, यानी इसके नियंत्रण के बाहर, माया देवी के नियंत्रण के बाहर कोई नहीं जा सकता। उसी माया देवी की जो भिन्न भिन्न नाम से इस संसार में देवी माता पूजे जाते हैं, उनमें से एक नाम है दुर्गा। भगवान की यह दिव्य शक्ति है, प्रकृति के तीन गुण वाली मेरी दैवी शक्ति को पार कर पाना कठिन है, यह भगवद गीता 7वें अध्याय के 14वें श्लोक में भगवान कहते हैं। तो भगवान की शक्ति दिव्य है,
कभी कभी भक्त में यह कन्फ्यूजन, कुछ ऐसा भ्रम रहता है कि माया देवी मतलब भौतिक प्रकृति, माया देवी मतलब ये भौतिक है, ये दिव्य नहीं है। कोई भक्त मुझे इस संबंध में कई बार प्रश्न भी पूछा, ये भौतिक प्रकृति कहा जा रहा है, नाम से तो भौतिक प्रकृति है, ये फिर दिव्य कैसे हो रहा है? ऐसे कोई भक्त ने कई बार पूछा। वे दिव्य है, भगवान की शक्ति है और दिव्य है, पर फिर इसे भौतिक प्रकृति क्यों कहा गया? क्योंकि इस भौतिक ब्रह्मांड को भगवान की यह दिव्य शक्ति परिचालित कर रहे हैं, नियंत्रण कर रही है, इसीलिए इनको भौतिक प्रकृति कहा गया। वास्तव में यह दिव्य शक्ति है भगवान की, और भगवान की शक्ति के नियंत्रण के कोई बाहर नहीं जा सकते। भगवद गीता में भगवान इस बात को इस प्रकार पुष्टि करते हैं, दैवी ही ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्तया। यह भौतिक संसार एक प्रकार जेल जिस जैसे जेल जैसे हैं, प्रत्येक देश में देश के सरकार जेल निर्माण करते हैं, क्योंकि सरकार को पता होता है कि प्रजाओं में से, नागरिकों में से कुछ लोग होंगे जो अपराध करेंगे, तो उन्हें सुधारने के लिए, अपराधियों को दंड देकर सुधारने के लिए देश के राजा या सरकार जेल निर्माण करते हैं, और ऐसे अपराधियों को जेल में रख कर उन्हें सुधारने की प्रयास करते हैं राजा या सरकार। भगवान की सृष्टि में यह भौतिक संसार ऐसे ही एक जेल के समान है, जेल जैसे ही है। जिस प्रकार जेल में जेल का जो अधिकारी, जिसे जेल सुपरिंटेंडेंट कहते हैं, है ना, हमारे प्रत्येक शहर में ऐसे जेल है, संशोधनागार कहा जाता है, तो उस जेल के अधिकारी जो जेल सुपरिंटेंडेंट होते हैं, वे सरकार के निर्देश के अनुसार कार्य करते हैं। तो जेल में रहने वाले कैदी अगर सोचे कि ये जेल के अधिकारी, जेल सुपरिंटेंडेंट ही सर्वोच्च है और स्वतंत्र है, और उनकी कृपा से मैं जेल से बाहर जा सकता हूं, यह किसी कैदी का ऐसा सोच गलत है, यह संभव नहीं है। कोई भी कैदी जेल सुपरिंटेंडेंट को प्रसन्न करके, खुश करके जेल के बाहर नहीं आ सकता। कोई जेल के बाहर वो कभी नहीं आ सकता, क्यों? क्योंकि जो जेल के अधिकारी, वे भी इनके उच्च अधिकारी के निर्देश के अनुसार अपराधियों को नियंत्रण करते हैं। अपराधियों को जो नियंत्रण कंट्रोल करते हैं, वे अपने मनमर्जी से नहीं, बल्कि सरकार के कानून के, सरकार के निर्देश के अनुसार अपराधियों को नियंत्रण करते हैं। अगर कोई कैदी सोचे कि मैं अगर जेल सुपरिंटेंडेंट को कुछ, ऐसी यदि उसे कुछ मैं घूस दे दूं, कुछ पैसा उन्हें दिया जाए, या कुछ ऐसे करके उन्हें प्रसन्न किया जाए, तो मुझे अनम्यूट करने के लिए क्यों कहा जा रहा है? म्यूट कर दिया क्या? ये देखो, नहीं, कुछ मत करिए, कुछ मत करिए।
से कुछ नहीं आता यहाँ से। तो वो कैदी अगर सोचे कि मैं जेल सुपरिंटेंडेंट को खुश करके जेल के बाहर जा सकता हूं, यह कभी संभव नहीं है, क्योंकि जेल सुपरिंटेंडेंट के कोई कैदी अगर खुश करने करें तो जेल सुपरिंटेंडेंट जेल में उन्हें कुछ सुविधाओं प्रदान करेंगे, जेल के बाहर उन्हें जाने नहीं देंगे। यह अधिकार जेल सुपरिंटेंडेंट का नहीं है। यह हम सभी जानते हैं, है ना? अगर जेलर को, जेल के अधिकारी को खुश करके कोई कैदी जेल के बाहर नहीं आ सकता, जेल के अंदर वो कुछ सुख सुविधाओं को भोग कर सकता है, जैसे कि वो कैदी जेल के अंदर दादागिरी करे, किसी से लड़ाई करे, मारपीट करे, तो वो जेल अधिकारी उस कैदी को कुछ नहीं बोलेगा और भी बहुत कुछ सुविधाएं उन्हें देंगे, पर जेल के अंदर, जेल के बाहर आने नहीं देंगे। उनके घर वालों से, रिश्तेदारों से, मित्रों से मिलने देंगे, या कोई कुछ सामान लेकर आया उन्हें अंदर ले जाने देंगे, जेल के अंदर कुछ सुविधाएं उन्हें प्रदान करेंगे, परंतु जेल के बाहर आने नहीं देंगे। ठीक उसी प्रकार यह माया देवी, दुर्गा देवी, जो लोग भगवान के चरण में अपराध किए हैं उनको नियंत्रण कर रही है माया देवी। और वो भी भगवान की इच्छा के अनुसार। भगवत गीता में भगवान कहते हैं, माया अध्यक्षेन प्रकृति सुयते सचराचरम हेतु नानेन कुन्ते जगत विपरिवर्तते। माया अध्यक्षेन प्रकृति सुयते सचराचरम, मेरी निर्देशना के अनुसार प्रकृति, मेरी माया शक्ति, दैवी शक्ति, सुयते सचराचरम हेतु नानेन कुन्ते, हे कुंती पुत्र, और कोई कारण नहीं है मेरे निर्देशना के अनुसार। तो ठीक उसी प्रकार इस संसार में कोई भी व्यक्ति माया देवी तभी उसे इस जेल के बाहर जाने देते हैं जब भगवान उन्हें निर्देश देते हैं कि यह जीव को आप छोड़ दीजिए, तब माया देवी उसे अपने नियंत्रण से मुक्त करके भगवान के पास उन्हें पहुंचाते हैं। इसलिए भगवान यहाँ कहते हैं, दैवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्तया माम एव जे प्रपद्यन्ते, जो मेरे चरण में शरणागत होते हैं, मायाम एताम तरंति ते, माया से वही मुक्त हो सकते हैं। श्वेताश्वत उपनिषद में यह कहा गया है, नतस्य कार्यम करणम च विद्यते नतत् समस्च अभ्य अधिकस्य दृश्यते पराश्य शक्तिर विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। जो परम भगवान नतस्य कार्य करणम च विद्यते, परम भगवान की स्वयं का कोई कार्य नहीं है, वो स्वयं कोई कार्य नहीं करते, उनकी जो दैवी शक्ति, जो दिव्य शक्ति है, वे सारे कार्य करते हैं उनके इच्छा के अनुसार। भगवान के इच्छा के अनुसार उनकी दिव्य शक्ति सारे कार्य करती है। भगवान की यह दिव्य शक्ति को ही माया देवी कहा गया है। तो दुर्गा देवी, माया देवी, वे भगवान की दिव्य शक्ति, माया शक्ति का एक मूर्त रूप है।
भगवान की दिव्य शक्ति विविध रूपों में कार्य करते हैं, विविध रूपों में कार्य करते हैं, पर शक्ति एक ही है, वह है दिव्य, दिव्य शक्ति। इस संबंध में शास्त्र कहते हैं, कृष्णेर अनंत शक्ति ताते तीन प्रधान, चित शक्ति, जीव शक्ति, माया शक्ति नाम। भगवान के अनंत शक्तियां हैं, उनमें से तीन मुख्य शक्तियां हैं, एक चित शक्ति यानी अंतरंगा शक्ति, सुपीरियर एनर्जी कहा जाता है अंतरंगा शक्ति, और दूसरा है बहिरंगा शक्ति, और तीसरा है जीव शक्ति। तो इस प्रकार से भगवान के अनंत शक्तियों में से तीन मुख्य शक्तियां हैं, अंतरंगा, बहिरंगा तथा तटस्था। जीव आत्माएं भगवान के तटस्था शक्ति के अंतर्गत है। तटस्था मतलब तटस्था मार्जिनल एनर्जी, तट मतलब जल तथा स्थल दोनों के बीच वाली जगह, स्थान को तट कहते हैं। तट का मतलब जल और स्थल के मध्यवर्ती स्थान। तो जीव आत्माओं को यह स्वतंत्रता प्राप्त हुई क्योंकि जीव भगवान के शाश्वत अंश है। भगवान श्री कृष्ण परम स्वतंत्र है, जीव आत्माएं उनके शाश्वत अंश होने के कारण जीवों में भी यह स्वतंत्रता गुण है। जीवों को यह स्वतंत्रता गुण भगवान से ही प्राप्त हुई है। अब इस स्वतंत्रता गुण के कारण जीव अपनी स्वतंत्रता को वे किस प्रकार उपयोग करेगा, वो स्वतंत्रता भगवान ने दिए हैं, इसीलिए उसे मार्जिन में तट पर रखा गया। ये भगवान का ही शक्ति है, एक शक्ति जीव आत्माएं, पर उन्हें मार्जिन में तट पर रखा गया, उन्हें स्वतंत्रता दी गई। कौन सी स्वतंत्रता? कि वो भगवान के इच्छा को अनुसार वो चलना चाहते हैं या अपने स्वेच्छा से कार्य करना चाहते हैं, भगवान की इच्छा के अनुसार कार्य करना चाहते हैं या अपने स्वेच्छा से कार्य करना चाहते हैं, यह निर्णय लेने की अधिकार, यह स्वतंत्रता भगवान जीव आत्माओं को दिए हैं, और कोई स्वतंत्रता नहीं। इसी को कहा गया है स्वतंत्रता। जीव अपना निर्धारण कर सकते हैं कि वो भगवान की इच्छा को अपने इच्छा के रूप में स्वीकार करेंगे या वो भगवान की इच्छा को अस्वीकार करेंगे, यह निर्णय लेने का अधिकार दी गई जीवात्माओं को, और इसी कारण जीवात्माओं को मार्जिनल एनर्जी कहा गया, तटस्था शक्ति कहा गया, यानी जीव चाहे भगवान की इच्छा के अनुसार चलना चाहे, भगवान की इच्छा को ही अपना इच्छा के रूप में स्वीकार कर सकता है, और चाहे वह स्वतंत्र रूप से भी कार्य कर सकता है। जब जीव आत्माएं भगवान की इच्छा को अपना इच्छा मानकर स्वीकार कर लेते हैं, तो भगवान की दिव्य शक्ति उन जीवात्माओं के प्रति अंतरंग शक्ति के रूप में उन पर नियंत्रण करती है। मैं दोबारा इस बात को रिपीट करता हूं, जिन जीवात्माओं भगवान की इच्छा को अपना इच्छा मान लेते हैं, भगवान के निर्देशों को पालन करते हैं, भगवान जो को प्रसन्न करने की ही प्रयास करते हैं, ऐसे जीवात्माओं को भगवान अपनी दिव्य शक्ति, भगवान की दिव्य शक्ति का विविध रूप है, मैंने कहा
उनमें से एक रूप जो कहा गया अंतरंगा शक्ति, जिसे सुपीरियर एनर्जी कहा गया, तब भगवान अपनी उस अंतरंगा शक्ति के द्वारा, जिसे योगो माया कहा जाता है, योगो माया के द्वारा उन्हें नियंत्रण करते हैं, उन जीवात्माओं को जो भगवान की इच्छा को अपना इच्छा मानते हैं। परंतु जो जिन जीवात्माएं भगवान की इच्छा को स्वीकार न कर कृष्ण भूली यही जीव भोगवांछा करे, श्री कृष्ण को विस्मृत होकर जो स्वयं भोग करना एंजॉय करना चाहता है, ऐसे जीवात्माओं को भगवान की दिव्य शक्ति महामाया के रूप में नियंत्रण करती है। यानी महामाया और योगो माया दोनों ही दिव्य शक्ति है, दोनों ही दिव्य शक्ति है भगवान की। उनकी कार्य भिन्न भिन्न है। जिस प्रकार इलेक्ट्रिसिटी, बिजली या एक शक्ति है, बिजली एक शक्ति है, वैद्युतिक शक्ति, यह शक्ति विविध प्रकार में कार्य करते हैं। वही बिजली वातावरण को गर्म भी करते हैं और वातावरण को ठंड भी करते हैं, हॉट एसी और कोल्ड एसी। एसी मशीन से वातावरण गर्म भी होती है और ठंड भी होती है एसी के द्वारा। कार में लगाया जाता है, मशीन तो वही है पर हॉट एसी का बॉटम अलग है और कोल्ड एसी का बॉटम अलग है, इतना ही अंतर है। ऐसा नहीं कि गर्म वातावरण को गर्म करने के लिए अलग बिजली आती है, अलग पावर आती है, और ठंडा कोल्ड करने के लिए अलग बिजली आती है, ऐसी बात नहीं। बिजली वही है पर कार्य दो प्रकार से कर रही है, कभी ठंड वातावरण को ठंडा कर रही है तो कभी वातावरण को गर्म कर रही है। ठीक उसी प्रकार भगवान की शक्ति दिव्य है, वे कभी महामाया के रूप में, भौतिक प्रकृति के रूप में, महामाया के रूप में जीवों पर कार्य कर रही है, जीवों को नियंत्रण कर रही है, तो कभी योगो माया के रूप में नियंत्रण कर रहे हैं। भगवद गीता के सातवें अध्याय में भगवान कहते हैं, सातवें अध्याय के छठे श्लोक में, 6 नंबर वर्स में भगवान यह कहते हैं कि संपूर्ण सृष्टि में, ये संपूर्ण सृष्टि में जो कुछ भी है ये सभी मेरे शक्ति के नियंत्रण में है। जितने भी सृष्टियां हैं विष्णु तत्व के अतिरिक्त, सब कुछ भगवान के शक्ति के नियंत्रण में अधीन है। तो इस प्रकार जब जिन जीवात्माओं भगवान की इच्छा के अनुसार कार्य करते हैं, अपने जीवन को परिचालित करते हैं, तब भगवान की शक्ति अंतरंग रूप में उन पर कार्य कर, उनको नियंत्रण करते हैं। इसे कहते हैं योगो माया। और जब कोई भगवान की इच्छा को अस्वीकार करते हैं तो महामाया के रूप में उन जीवों को नियंत्रण करते हैं। पर शक्ति एक ही है, ऐसे वो है दिव्य शक्ति। इसलिए भगवान कहते हैं दैवी ही ऐसा गुणमय, दैवी या दिव्य है। अब योगो माया द्वारा जब कोई नियंत्रित होते हैं, योगो माया द्वारा कौन नियंत्रित होते हैं, जो भगवान की इच्छा को अपना इच्छा के रूप में स्वीकार करते हैं, भगवान की इच्छा को ही अपना इच्छा मानते हैं,
भगवान जो चाहते हैं। भगवान ने कहा मन मना भव मद भक्तो मद जाजी माम नमस्कुरु माम एवशी युक्त एवं आत्मा नंग मत परायण। भगवान कहते हैं तस्मात सर्वेशु कालेशु माम अनुस्मर है? सदैव मेरा चिंतन करो, सर्वेशु कालेशु। तो इस प्रकार भगवान की जो इच्छा है, उन भगवान की उन इच्छाओं के अनुसार जब जब कोई जीव कार्य करते हैं तो भगवान की शक्ति दिव्य शक्ति योगो माया के रूप में उनको नियंत्रण करेंगी। और जब कोई योगो माया के द्वारा नियंत्रित होते हैं, योगो माया के नियंत्रण का विशेषता है वो उस जीव को, उन जीवों को भगवान के करीब लाएंगे। योगो माया का कार्य है जो भी भगवान की योगो माया द्वारा नियंत्रित होंगे, योगो माया उनको कृष्ण के करीब लाएंगे, कृष्ण के पास लाएंगे। और जब कोई भगवान के महामाया बहिरंगा शक्ति द्वारा नियंत्रित होंगे तो भगवान की बहिरंगा शक्ति उन जीवात्माओं को कृष्ण से दूर ले जाएंगे, दूर रखेंगे। जिस प्रकार बिजली गर्म भी कर रहे हैं ठंडा भी कर रहे हैं, जैसे बिजली से पंख भी घूम रहे हैं पंखा, और लाइट भी जल रही है, कंप्यूटर भी चल रही है, मोबाइल भी चल रही है, ये सभी बिजली से चल रही है। पर इसका मतलब यह नहीं कि मोबाइल के लिए अलग बिजली है, लैपटॉप के लिए अलग बिजली है, लाइट के लिए अलग बिजली है, और हाँ पंखे के लिए अलग बिजली है। बिजली वही है पर इनका कार्यकलाप अलग अलग है। ठीक उसी प्रकार भगवान की शक्ति यह माया देवी, यह दिव्य है, दिव्य शक्ति है, और यह दिव्य शक्ति भगवान के इच्छा के अनुसार वो कार्य करती है। अब मैं स्क्रीन को शेयर करता हूं। तो श्वेतासतर उपनिषद के इस मंत्र में यह कहा गया है न तत्स्व कार्यम करणम च विद्यते न तत् समश्च अभ्य अधिकश्च दृश्यते। भगवान की शक्ति से और कोई अधिक शक्तिशाली शक्ति और कुछ भी नहीं है, ये परम शक्ति शक्ति है भगवान की। पराश शक्ति विविध ही श्रूयते, भगवान की पराशक्ति विविध रूपों में कार्य करती है, किसी एक रूप दो रूप में नहीं, विविध रूपों में भगवान की शक्ति कार्य करती है। श्रीमद् भागवत के फर्स्ट कैंटो सातवें अध्याय के चौथे श्लोक में, फर्स्ट कैंटो के सातवें अध्याय के नाम द्रोण पुत्र अश्वत्थामा को दंड प्राप्ति, ऐसा अध्याय के नाम होगा। इस अध्याय में सुत गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं कि वेदव्यास जी भगवान के सत्तावीस अवतार व्यासदेव जी किस प्रकार भगवान, जब नारद मुनि व्यासदेव जी के समक्ष आए और श्रीमद् भागवत रचना करने के लिए निर्देश प्रदान किए नारद मुनि, नारद मुनि वहां से अप्रकट होने के बाद जब व्यासदेव जी भगवान के ध्यान में निमग्न हो गए तो उस समय वो भगवान को, परम भगवान को किस प्रकार से देखा, वह इस श्लोक में बताया गया है। फर्स्ट कैंटो सेवेंथ चैप्टर फोर्थ और फाइव फिफ्थ दोनों वर्स में, चौथा और पांचवी श्लोक में
वैष्णव जी भगवान को किस प्रकार जब ध्यान मग्न हुए, परम भगवान को उन्होंने किस प्रकार दर्शन किए, इन दोनों श्लोकों में इसका उल्लेख हुआ है। भक्ति योगेन मनसि सम्यक् प्रणिहिते अमले अपश्यत् अपश्यत् पुरुषं पूर्णं मायां च तदपाश्रयम्। निकल सकते हो इसका ट्रांसलेशन देखने के लिए। भक्ति योगेन मनसि सम्यक्, जब व्यासदेव जी ने सम्यक रूप से पूर्ण रूप से अपने मन को भगवान की भक्ति में तल्लीन कर दिए, जब तल्लीन कर लिया अपने मन को भगवान के ध्यान में भक्ति योग में जब निमग्न हो गए, तब उन्होंने भगवान की बहिरंगा शक्ति समेत माया के साथ, बहिरंगा शक्ति समेत उन्होंने भगवान को दर्शन किया। श्लोक का अनुवाद इस प्रकार, उन्होंने भौतिकता में किसी लिप्तता के बिना भक्तिमय सेवा भक्ति योग में बंद कर अपने मन को पूरी तरह एकाग्र किया, और इस तरह उन्होंने परमेश्वर के पूर्णतः अधीन उनकी बहिरंगा शक्ति के समेत उनका दर्शन किया व्यासदेव जी ने, कि उनकी यह बहिरंगा शक्ति उन्होंने परमेश्वर के पूर्णतः अधीन, भगवान की यह बहिरंगा शक्ति पूर्णतः भगवान के इच्छा के अधीन कार्य करती हैं। और इस बात की पुष्टि भगवान गीता में बताते हैं, मया अध्यक्षेन, मेरी अध्यक्षता के द्वारा, मेरी निर्देशना के अनुसार, मया अध्यक्षेन प्रकृति सुयते सचराचरम, ये चर अचर ये सारे सृष्टियां सारे कार्य मेरे निर्देशना के अनुसार कर रही हैं। प्रकृति क्रियमानानि गुणै कर्माणि सर्वस, भगवान की प्रकृति सारे कार्य कर रही हैं, पर जीव आत्मा मिथ्या अहंकार के द्वारा वशीभूत होने के कारण प्रकृति के कार्य को वे अपना कार्य मान रहे हैं, स्वयं को कर्ता मानते हैं, कर्ता अहम इति मन्नते। उसके अगले श्लोक में सुत गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि व्यासदेव जी किस प्रकार माया देवी को, भगवान के साथ माया देवी को किस प्रकार दर्शन किए, जो माया देवी भगवान के पूर्ण अधीन रहकर कार्य कर रही हैं। इस रूप में यया सन्मोहितो जीव आत्मानं त्रिगुणात्मकं परोपि मनुते अनर्थं तत्कृतं च अभिपद्यते। श्लोक के अनुवाद, जीवात्मा तीनों गुणों से अतीत होते हुए भी इस बहिरंग शक्ति के कारण अपने आप को भौतिक पदार्थ की उपज मानता है, और इस प्रकार भौतिक कष्टों के फलों को भोगता है। जीवात्मा तीनों गुणों से परे होते हुए भी, मैंने पहले अभी कुछ समय पहले कहा, जीव आत्माएं भगवान के एक अलग शक्ति है। भगवत गीता में भगवान इस संबंध में सातवें अध्याय में बताते हैं, अपरे अमितस्तन्नंग प्रकृति विद्धि में परम जीवभूत महाबाहो यदम धार्यते जगत। और उसके पहले पूर्व श्लोक में भगवान ने यह कहा भगवान की बहिरंग शक्ति के संबंध में, जी गीता में इस श्लोक के पूर्व श्लोक में भगवान ने यह कहा, भूमिराप नलवायु खंग मन बुद्धि एवच अहंकार इति अंग में भिन्न प्रकृति अष्टदा। मेरा भिन्न प्रकृति जो बहिरंगा प्रकृति, उसका वर्णन किए हैं, मिट्टी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार, इन आठों तत्व
से मेरे बहिरंगा प्रकृति निर्मित है, कार्य कर रही है, ये भी दिव्य है। पर जीवात्माएं के संबंध में भगवान यह कहते हैं, यह भिन्न, यह प्रकृति के अतिरिक्त मेरा एक और प्रकृति, एक और शक्ति है, अपर मितक स्तनांग प्रकृति विधि में पराम। इस बहिरंगा शक्ति के अतिरिक्त एक और अन्य शक्ति है, मेरा शक्ति का मेरा एक अन्य रूप है, एक और रूप है मेरी शक्ति का, दिव्य शक्ति का, वो क्या है? वह है अपर अमित स्तनांग प्रकृति विधि में पराम जीव भूत महाबाहो। जिस शक्ति से समस्त जीवात्माएं, समस्त जीवात्माओं का विस्तार हुआ है, मेरी इस बहिरंगा प्रकृति, ये जो शक्ति है, शक्ति के अलावा मेरी दिव्य शक्ति का एक अन्य रूप भी है। मेरे शक्ति का एक रूप तो यह है जो मिट्टी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार द्वारा निर्मित मेरा एक शक्ति है, शक्ति का एक रूप है। मेरी शक्ति का इस रूप, ये वाली शक्ति से एक अलग शक्ति भी है जिसका परिचय भगवान उसमें दे रहे हैं। किसके अतिरिक्त मेरा एक और शक्ति है, अपर अमित स्तना प्रकृति विधि में पराम, वो मेरा पराशक्ति है। और उसी पराशक्ति को भगवान जो पराशक्ति कह रहे हैं, उसी को योगो माया कहा गया, यानी भगवान की दिव्य शक्ति का ये दूसरा रूप योगो माया। और इसी दिव्य शक्ति से जो मिट्टी, जल, अग्नि, वायु, ये इसकी तत्व नहीं है, ये बहिरंग शक्ति की तत्व है, परंतु जो अन्य शक्ति, एक और शक्ति है जिससे समस्त जीवात्माएं, समस्त जीवात्माओं का विस्तार हुआ है, सारे जीवात्माएं जिससे विस्तार हुआ है, वो शक्ति सचित आनंदमय है। वह शक्ति तो इसलिए भागवत के श्लोक में सुत गोस्वामी जी कह रहे हैं, जीवात्मा तीन गुणों से अतीत है। प्रकृति की तीन गुण, ये भौतिक प्रकृति, इससे अतीत है जीवात्माएं। जीवात्माएं सचित आनंदमय है, भगवान के शाश्वत अंश है। तो ये जीवात्मा अंतरंग शक्ति से विस्तार हुआ है जीवात्माओं का। तो ये तीन त्रिगुण, तीन गुणों से अतीत होने पर भी वे बहिरंगा शक्ति, निकृष्ट शक्ति से, उत्कृष्ट शक्ति से जीवात्मा का विस्तार हुआ। सुपीरियर एनर्जी से जीवात्माओं का विस्तार हुआ। और भौतिक प्रकृति इन्फीरियर एनर्जी है, निकृष्ट शक्ति है। तो उत्कृष्ट शक्ति के विस्तार होते हुए भी जीवात्माएं निकृष्ट शक्ति द्वारा नियंत्रित हो रहा है, ऐसा क्यों? और निकृष्ट शक्ति द्वारा नियंत्रित होने के कारण ये प्रकृति के कार्यों को ये अपना कार्य मान रहे हैं, और भौतिक जगत में भौतिक प्रकृति के कार्यों को अपना कार्य मान रहे हैं, यह मिथ्या अहंकार के कारण। और इस संसार में विविध प्रकार के दुख भोग रहे हैं जो कि उनका दुख नहीं है, जीवात्माओं का या हमारा दुख नहीं है। यह शरीर भगवान की बहिरंगा प्रकृति निर्माण किया, हमारा यह जो भौतिक शरीर है बहिरंगा शक्ति द्वारा निर्मित है। पर इस शरीर के अंदर जो आत्मा, जो हम, जो वास्तव में जो हमारा जो स्वरूप, वो भगवान की अंतरंग शक्ति से विस्तार हुआ है। जो बहिरंग शक्ति से परे हैं, फिर भी ये बहिरंग शक्ति द्वारा नियंत्रित हो रहे हैं। श्रील प्रभुपाद को एक बार यह प्रश्न पूछा गया था, प्रभुपाद मॉर्निंग वॉक कर रहे थे लॉस एंजल्स में, सी बीच में। तो उस समय
प्रभुपाद मॉर्निंग वॉक करते समय उनके शिष्य ने प्रभुपाद जी से यह प्रश्न पूछा कि प्रभुपाद जी, जीवात्मा भगवान के उत्कृष्ट शक्ति के विस्तार है, एक्सपेंशन है, और ये भौतिक प्रकृति मैटेरियल एनर्जी इन्फीरियर एनर्जी द्वारा ये कंट्रोल हो रहे हैं, ऐसा क्यों? ये निकृष्ट शक्ति द्वारा नियंत्रित क्यों हो रहे हैं? तो उस समय प्रभुपाद जी उनके एक शिष्य ब्रह्मानंद महाराज, तो ब्रह्मानंद महाराज से कहा कि ब्रह्मानंद, तो उस समय समुद्र का लहरी आ रहा था, तो जब समुद्र का लहरी आती है तो बहुत से कोई छोटे मोटे जीव कीड़े आदि मछली तट पर भी आ जाते हैं कभी कभी, और जैसे ही लहरी का जल फिर समुद्र की ओर चली जाती है तो वो भी भागते हुए समुद्र में प्रवेश कर जाते हैं ये सारे जीव। तो जैसे ही वो लहरी से एक केकड़ा समझते हैं आप लोग, एक केकड़ा जल के बाहर आ गया, तो प्रभुपाद जी ने उस केकड़ा को देखकर कहा कि ब्रह्मानंद जाओ उस केकड़ा को पकड़ो। ब्रह्मानंद महाराज भागते हुए उस केकड़े को पकड़ने गए, पर ब्रह्मानंद महाराज केकड़े को पकड़ने से पहले केकड़ा भागकर समुद्र में प्रवेश कर गया जल में। ब्रह्मानंद महाराज ने बहुत प्रयास किया उसको पकड़ने के लिए, पर पकड़ नहीं सके, सिर झुकाकर प्रभुपाद के पास आए, गुरु ने आदेश दिया और गुरु का आदेश पालन नहीं कर पाया, इसलिए शर्मिंदा होकर प्रभुपाद जी के पास आए ब्रह्मानंद महाराज। प्रभुपाद ने कहा क्या हुआ ब्रह्मानंद, पकड़ नहीं सका? तुम्हारा इतना बड़ा शरीर है, ब्रह्मानंद महाराज का बॉडी, हाँ आप लोग जयपता का महाराज को देखे होंगे पहले, हाँ जब मतलब बीमारी से पहले, उससे भी और टॉल और लंबे और हेल्दी ब्रह्मानंद महाराज का बॉडी जैसा था, उससे भी अधिक और हेल्दी और अधिक लंबे थे, लंबे है। तो उनको कहा तुम्हारा इतना बड़ा शरीर है, इतना हाँ बुद्धि है, तुम इतने बुद्धिमान हो, इतना बड़ा शरीर है, इतना समय छोटा सा केकड़े को तुम पकड़ नहीं सका, क्यों क्यों पकड़ नहीं सका? रूपा जी ने कहा क्योंकि वो छोट केकड़ा छोटा है, पर वो तुमसे भी अधिक शक्तिशाली व्यक्ति के आश्रय में चले गए, वो है समुद्र। समुद्र तुमसे भी अधिक शक्तिशाली है, तुमसे भी विशाल है, उसके आश्रय में चला गया, जिस कारण तुम उसे पकड़ नहीं सका। ठीक उसी प्रकार यदि वो केकड़ा एक छोटा जलाशय में आश्रय लेता तो तुम पकड़ लेते, पर उन्होंने कहां आश्रय लिया? समुद्र में, जो असीम है, विशाल है, जिस कारण तुम उसे पकड़ नहीं सका। ठीक उसी प्रकार जीवात्मा जब कृष्ण का आश्रय लेता है तो कम श्रेष्ठ निकृष्ट शक्ति माया देवी हाँ उसे नियंत्रण नहीं कर सकते, नहीं करेंगे, नहीं कर सकते। इतने सुंदर हाँ प्रभुपाद जी ने उत्तर दिया और समझाया। तो जीवात्मा को बहिरंगा शक्ति नियंत्रण क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो कृष्ण के आश्रय को छोड़ दिया। जब एक समुद्र के छोटा जीव समुद्र का आश्रय छोड़ देगा तो कोई भी उसे पकड़ लेगा, पर जब तक वो समुद्र के आश्रय में होंगे तब तक उसे पकड़ पाना कठिन है। तो बहिरंगा शक्ति जीवात्मा को तब तक नियंत्रण करते हैं जब तक जीवात्मा श्री कृष्ण के आश्रय से दूर रहता है। कृष्ण बहिर्मुख होइया भोगवांछा करे,
निकटस्थ माया तारे झापटिया धरे। जैसे ही कृष्ण बहिर्मुख, कृष्ण से दूर हो जाता है, ब्रह्म संहिता में माया देवी का परिचय दिया जा रहा है। मैंने अभी अभी बताया आप लोगों को कि माया भगवान की शक्ति है और वह दिव्य है, चाहे वह योगो माया हो या महामाया हो। ठीक है, माया जब किसी को मोहित करते हैं, माया का कार्य है जीवों को मोहित करना, यह माया का कार्य है, चाहे वो योगो माया हो चाहे वो महामाया हो, उनकी कार्य है मोहित करना। भगवान का एक नाम है मोहन, आप लोग जानते हैं, मोहन शब्द से भगवान के कोई नाम है, अनेक नाम है, ब्रज मोहन, मदन मोहन, भुवन मोहन, ऐसे मोहन शब्द से भगवान के अनेक नाम है। ये मोहन शब्द का अर्थ मोह तथा न, ये दोनों मिलकर मोहन शब्द होता है, मोह तथा न, मोह न, जो कभी मोहित नहीं होता है। भगवान कभी मोहित नहीं होते, भ्रमित नहीं होते, इसीलिए उनका नाम है मोहन। और मोहन शब्द का दूसरा अर्थ है मोहने वाला, दूसरों को मोहने वाला। जैसे ब्रज मोहन, ब्रजवासियों को मोहने वाला, जगन मोहन, जगत को मोहने वाला। ठीक है, तो मोहन शब्द का यह अर्थ है, भगवान की माया का कार्य है मोहित करना। जब कोई महामाया द्वारा मोहित होता है तो भगवान से दूर जाता है, महामाया उसे ऐसे भ्रमित, ऐसा मोहित करते हैं कि वो भगवान को विस्मृत होने में विवश हो जाता है। और जब कोई योगोमाया द्वारा मोहित होते हैं, योगोमाया जब किसी को नियंत्रण करती है, योगोमाया के द्वारा जब कोई मोहित होते हैं, मोहित होने का मतलब क्या है, भगवान को मोहित, जब हम कहते हैं ये व्यक्ति मोहित हो गया, इसका मतलब यह होता है कि जो असली जो विषय है उसको वो नहीं समझ पा रहा है, मोहित हो गया। तो योगोमाया भी मोहित करते हैं। ब्रज में जब भगवान प्रकट थे, ब्रज धाम में, यशोदा को, ब्रजवासियों को, नंद महाराज आदि भक्तों को, ये भी भगवान को विस्मृत हुए। कृष्ण उनके पास रहे थे, उनके साथ थे, फिर भी कृष्ण को पहचान नहीं सका। और हम कृष्ण से दूर है, हम भी कृष्ण को पहचान नहीं सक रहे। क्यों? क्योंकि वो भी मोहित थे, हम भी मोहित है, पर अंतर यह है, योग माया मोहित करके कृष्ण के पास रखते हैं और महामाया मोहित करके कृष्ण से दूर ले जाते हैं, ये अंतर है। कृष्ण माता यशोदा को मृत भक्षण लीला के द्वारा किए संपूर्ण संसार के एकमात्र स्रष्टा है, सब कुछ का मूल कारण है,
पूरे विश्व रूप उन्होंने दिखाया अपने मुंह के अंदर। योगो माया के प्रभाव से यशोदा माया ने ये देखकर भी कृष्ण को भगवान नहीं समझ पाई कि मेरे पुत्र मेरे लाला भगवान है। ब्रजवासियों के आंखों के सामने बड़े बड़े असुरों को राक्षसों को मार गिरा रहे हैं बिना हथियार से, फिर भी किसी ब्रजवासियों को समझ नहीं आ रहे कृष्ण परम भगवान है। क्यों? क्योंकि योग माया उनको मोहित कर दिया। तो माया मोहित करके मोहित होने का मतलब विस्मृत हो जाना। तो योगो माया से मोहित होने पर भी विस्मृत होते हैं। अर्जुन भी भगवान को विस्मृत हो गए, अपना सखा अपना मित्र समझ रहे हैं, है ना। तो इस प्रकार योगो माया द्वारा जब विस्मृत होते हैं कोई, मोहित होते हैं कोई, वो भगवान के करीब जाता है, करीब रहता है, भगवान के साथ रहता है। पर महामाया के द्वारा मोहित होने से भी विस्मृति आती है पर वह भगवान से दूर रहता है, यही अंतर है। ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता के श्लोक में बता रहे हैं माया के परिचय के संबंध में, सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा। सृष्टि स्थिति प्रलय ये सारे कार्यकलाप भगवान की शक्ति से हो रहा है। शक्ति एक छाया, भगवान की दिव्य शक्ति के एक अंश स्वरूप, उनके एक छाया स्वरूप। छाये व यश भुवनानी विभूति दुर्गा, वो दुर्गा देवी के रूप में संपूर्ण भौतिक सृष्टि स्थिति प्रलय ये सारे कार्य कर रहे हैं उनके दिव्य शक्ति के एक अंश के रूप में। इच्छानुरूपम अपि अस्य च चेष्टते सा, जिनके इच्छा के अनुसार यह शक्ति सारे कार्य कर रही है। गोविंदम आदि पुरुषम तमहं भजामि, मैं उस आदि पुरुष गोविंद का भजना करता हूं। यह माया देवी की परिचय जो 9 दिन तक जिस माया देवी की आराधना कर रहे हैं, अब शास्त्र में उस माया देवी की परिचय ब्रह्मा जी स्वयं इस प्रकार दे रहे हैं कि भगवान की शक्ति के एक अंश का जो छाया मात्र है वे यह सारे कार्य कर रहे हैं उनके इच्छा के अनुसार। तो शक्ति तत्व के अनुसार भगवान के शक्ति तत्व का 3 प्रमुख विभाजन हुई है, जो पहले मैंने कह चुका हूं, अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति और तटस्था शक्ति। अब तक मैंने कहा कि अंतरंगा शक्ति द्वारा नियंत्रित होंगे तो भी मोहित होंगे, बहिरंगा शक्ति द्वारा नियंत्रित होंगे तो भी मोहित होंगे। हम श्रीमद् भागवत में समुद्र मंथन लीला में अमृत बाटवारा के विषय में हमने सुने हैं कि भगवान मोहिनी रूप धारण करके किस प्रकार दानवों को दैत्यों को मोहित किया और मोहित करके देवताओं को अमृत पिलाया, और उस समय शिव जी उपस्थित नहीं थे। जब भगवान यह मोहिनी रूप धारण किए थे तो शिव जी भगवान की यह लीला के समय शिव जी उपस्थित नहीं थे। बाद में जब शिव जी को पता चला कि भगवान ने यह मोहिनी रूप धारण किए, तो शिव जी की मोहिनी रूप दर्शन करने की बहुत इच्छा हुई और वे भगवान के पास आए और आके भगवान से निवेदन किया कि प्रभु मैं आपकी यह लीला दर्शन से वंचित रहा, तो कृपया मुझे आपकी वह रूप दिखने की इच्छा है,
मैं देखना चाहता हूं। भगवान ने शिव जी से कहा कि देखो मेरा वह रूप नहीं देखना ही अच्छा है, वो तो मैं दत्तों को क्या मोहित करने के लिए यह रूप धारण किया था, इस रूप से आपका क्या संबंध, आप क्यों वो रूप मेरे वो रूप देखना चाहते हैं। शिव जी ने कहा प्रभु वह रूप आपका वह रूप दत्तों को मोहित करने के लिए, मैं दत्तों तो नहीं हूं, मैं आपकी भक्त हूं, जब आपने यह रूप लिया देवताओं भी मोहित नहीं हुए, केवल दत्तों लोग मोहित हुए थे, और मैं तो आपके भक्त हूं आपके सेवक हूं, तो मैं मोहित क्यों हूंगा। यह बात सुनकर भगवान शिव जी से कहा, भगवान का एक नाम दर्पोहारी, किसी में भी दर्प अहंकार आ जाए भगवान उनके दर्प को दूर कर देते हैं। तो भगवान ने देखा शिव जी में यह अहंकार आ गए कि वो मोहित नहीं होंगे। मैंने कुछ समय पहले कहा था कि गीता के 7वीं अध्याय के 6ठे श्लोक में भगवान कहते हैं एतत् योनिनि भूतानि सर्वाणि इति उपधारय अहम् कृष्णस्य जगतो प्रभव प्रलयस्तथा। सृष्टि में आध्यात्मिक जगत या भौतिक जगत, संपूर्ण सृष्टि में जितने भी जो कोई भी है वे सभी मेरे शक्ति के नियंत्रण में है, सभी भगवान तथा विष्णु तत्व के अतिरिक्त सभी भगवान के शक्ति के नियंत्रण में है। अहम कृष्णस्य जगत प्रभव प्रलयस्त था, चाहे वो शिव जी हो, ब्रह्मा जी हो, चाहे कोई हो, देवी देवताओं हो, सामान्य जीव हो, सभी भगवान के दिव्य शक्ति के नियंत्रण में है। पर जब किसी में थोड़ा सा अहंकार आ जाता है भगवान उनके अहंकार को दूर कर देते हैं। तो शिव जी में यह अहंकार आया कि मैं मोहित नहीं हो सकता, भगवान विष्णु शिव जी को अहंकार को दूर करने के लिए, शिव जी को सावधान करने के बावजूद जब उन्होंने जिद करने लगे भगवान की वह मोहिनी रूप देखने के लिए, तो भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया और उसके आगे आप लोगों को पता है कि शिव जी की क्या हाल हुआ था, किस प्रकार से शिव जी मोहित हो गए थे। पर शिव जी की यह मोहित होना और दैत्य लोग भी मोहिनी रूप को देखकर मोहित हुए, रूप वही है मोहिनी रूप, जो रूप दैत्यों को दर्शन दिया था, देवताओं को दर्शन दिया था, उसी रूप में शिव जी को भी दर्शन दिया, समझे, दैत्य भी मोहित हुए शिव जी भी मोहित हुए, पर इन दोनों के मोहित होने में बहुत अंतर है, बहुत अंतर। शिव जी मोहित हुए, मोहित होकर शिव जी मोहित होकर स्वयं को बहुत सौभाग्यशाली समझने लगे, और दैत्य लोग मोहित होने के बाद गुस्सा क्रोध प्रकट होने लगा, देवताओं पर आक्रमण करने लगा, पर शिव जी मोहित होने के बाद भगवान का गुणगान करने लगे, हा भगवान आपका क्या महिमा है। यह है क्योंकि शिव जी भगवान की योगो माया द्वारा मोहित हुए और दैत्य ने भगवान की महामाया द्वारा मोहित हुए। तो यही अंतर होता है, जब महामाया द्वारा मोहित होंगे तो उसमें क्रोध आएगा, काम क्रोध लोभ मोह मात्सर्य इन सभी का
हाँ उत्पत्ति होगा अंदर, ये सभी प्रकट होगा। पर जब कोई योगोमाया द्वारा मोहित होंगे उसमें क्या विकार आएगा? महामाया द्वारा मोहित होने से क्या विकार होता है जीव में? काम क्रोध लोभ मद मोह मात्सर्य, यही होगा। धैय तभी शयान पुंस संगस्ते सुपजायते, संगात संजायते काम कामात क्रोध भी जायते, क्रोधात भवति सन्मोह सन्मोहात स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात प्रणश्यति। ये अभिकार जीव में जब जीव महामाया के द्वारा मोहित होंगे, यानी जब महामाया द्वारा नियंत्रण होंगे, त्रिगुणात्मिका माया शक्ति दुर्गा देवी माया देवी के द्वारा अगर नियंत्रित होंगे तो ये सारी विकार उनमें आएगा। और यदि योगो माया द्वारा वो नियंत्रित होंगे, योगो माया द्वारा मोहित होंगे, तो उनमें क्या विकार आएगा? गीता में भगवान बताते हैं, मोघासा मोघ कर्मानो मोघ गेना विचेतस, राक्षसी मा सुरीम चैव प्रकृति मोहिनी श्रिता। जब कोई भौतिक प्रकृति के द्वारा मोहित होंगे तो उसका परिणाम यह होगा, मोघासा मोघ कर्मानो, मोघ आशा, मोघ शब्द का अर्थ व्यर्थ होना, अमोघ मतलब अव्यर्थ, मोघ मतलब व्यर्थ, अमोघ मतलब अव्यर्थ। तो मोघ आशा, उनके सारे आशाएं व्यर्थ हो जाएगा, मोघ आशा। मोघ कर्मानो, उनके सारे कर्मों का प्रयास व्यर्थ हो जाएगा। मोघ ज्ञाना, सारे ज्ञान का प्रयास भी व्यर्थ हो जाएगा। विचेतस, उनकी चेतना विपरीत मुखी हो जाएगा। राक्षसी आसुरीम चैव, राक्षस और असुर स्वभाव वाला बन जाएगा। यह है महामाया द्वारा मोहित होने का परिणाम। पर जब कोई योगो माया द्वारा मोहित होंगे, भगवान कहते हैं, सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढव्रता, नमस्संतश्च मां भक्ता नित्य युक्त उपासते। उनमें यह परिवर्तन आएगा, यह विकार आएगा। योगो माया द्वारा होंगे तो क्या होगा? सततम कीर्तयन्तो माम, निरंतर मेरा कीर्तन करने लगेगा, अत्यंत प्रयत्नशील होकर, यतंतश्च दृढ़व्रता, दृढ़व्रत होकर। तो यह अंतर है। महामाया द्वारा होंगे तो काम क्रोध लोभ आदि इन सभी द्वारा पीड़ित होंगे, पर जब योगो माया द्वारा होंगे, दिव्य आनंद सुख अनुभव करेंगे। शिव जी योगो माया द्वारा मोहित हुए भगवान की मोहिनी रूप देखकर, और इतने प्रसन्नता आई, इतने प्रसन्न हुए, भगवान की इतनी स्तुति करने लगे, भगवान की गुणगान करने लगे, कोई गुस्सा क्रोध नहीं आया। वही मोहिनी को देखकर दत्त ने मोहित हुए, पर परिणाम क्या हुआ? काम क्रोध लोभ ये सब कुछ आ गया। ठीक उसी प्रकार इस संसार में जीव जब योगो माया द्वारा मोहित होते हैं, नियंत्रित होते हैं, भगवान उनको कहते हैं यह है महात्मा। भगवत गीता में भगवान महात्मा की परिभाषा यही बताए, महात्मानं स्तुमां पार्थ दैवीं प्रकृतिम आश्रिता, भजति अनन्न मनसो गत्वा भूतादिम वयम्। महात्मानस्त मंग पार्थ दैवी प्रकृति माश्रिता, मेरी दैवी प्रकृति योग माया के आश्रय में जब कोई होता है तो भी उसको महात्मा कहा जाता है। प्रभुपाद जी उस श्लोक के तात्पर्य में बताया,
कोई व्यक्ति के नाम के आगे पीछे महात्मा शब्द जोड़ देने से, उनको जोड़ देने से कोई महात्मा नहीं बन जाता। महात्मा का लक्षण यह है, ये भगवान की योगमय अंतरंग शक्ति के नियंत्रण में होंगे। इसका मतलब यह है कि महामाया द्वारा नियंत्रण नियंत्रित व्यक्ति भौतिक प्रकृति के नियंत्रण के बाहर होते हैं। जो लोग भौतिक प्रकृति के नियंत्रण में होते हैं वे प्रकृति के तीन गुणों के प्रभाव द्वारा सदैव पीड़ित होते रहते हैं। तीन गुणों के प्रभाव से सदैव पीड़ित होंगे भौतिक प्रकृति के नियंत्रण में जब तक हूं। पर जब कोई योगमय अंतरंग शक्ति के नियंत्रण में होते हैं, वो भौतिक प्रकृति के द्वारा प्रभाव से वो पीड़ित नहीं होंगे, विचलित नहीं होंगे। हमें जब भूख लगता है, हम पीड़ित होते हैं, पीड़ा अनुभव करते हैं या नहीं? जब हमें भूख लगता है, प्यास लगता है, हमें पीड़ा अनुभव होता है, कष्ट अनुभव होता है या नहीं? होता है। किन किन को कष्ट अनुभव नहीं होता, हाथ उठाइए ना। जब भूख लगता है कोई कष्ट अनुभव नहीं होता, हाँ होता है, कष्ट लग होता है। तो इसका मतलब हम भौतिक प्रकृति के द्वारा नियंत्रित हो रहे हैं। पर जब कोई योगमाया द्वारा नियंत्रित होते हैं, वो भूख प्यास या किसी भी प्रकार के प्रकृति की गुण के प्रभाव से वो प्रभावित या पीड़ित नहीं होते। ठीक है, माधवेंद्र पुरीपाद कभी किसी के पास कहने नहीं गया कि मुझे भूख लग रहा है ना? कभी किसी के पास गया क्या? स्वयं भगवान उन्हें दूध पिलाने आए, वो भगवान से पूछा तुम्हें कैसे पता चला मैं भूखा हूं, मैं तो किसी को कहा नहीं, तुम्हें कैसे पता चला? तो माधवेंद्र पुरीपाद जैसे ये भगवान के अंतरंग शक्ति के नियंत्रण में, बहिरंग शक्ति से परे, इसीलिए बहिरंग शक्ति के, इसका मतलब यह नहीं माधवेंद्र पुरी को कभी भूख नहीं लगता था, उनको प्यास नहीं लगता था, ऐसी बात नहीं है। उनको भी भूख लगता था, प्यास लगता था, हैं, वो भी टायर्ड होते थे, पर इस किसी भी प्रभाव से वो विचलित नहीं, पीड़ित नहीं होते थे। पर हम पीड़ित होते हैं, हम विचलित हो जाते हैं। तो इससे यह स्पष्ट है हम भगवान के बहिरंग शक्ति द्वारा नियंत्रित हो रहे हैं। केवल पहला पेज में कुछ तो वीडियो ऑन में है, बाकी सब वीडियो ऑफलाइन है। तो अंतरंग शक्ति आनंददायिनी शक्ति, तटस्था शक्ति जो जीव शक्ति, और बहिरंग शक्ति कृष्ण बहिर्मुख शक्ति। तो जीव आत्माओं बहिरंग शक्ति के नियंत्रण में होने के कारण ही इस भौतिक संसार में विविध प्रकार के दुख कष्ट जो भोग रहे हैं, यही माया देवी विविध प्रकार के दुख प्रदान करके, त्रिता क्लेश देकर जीव आत्माओं को सुधारना चाहते हैं। क्या सुधारना चाहते हैं जीवात्माओं को? कि वे भगवान के शरण में जाए,
इसी उद्देश्य से भगवान की बहिरंगा शक्ति जीव आत्माओं को विविध प्रकार के दुख तथा क्लेश प्रदान कर रहे हैं। भगवान की बहिरंगा शक्ति माया देवी दुर्गा देवी, वे दुर्गा देवी जीवों के ऊपर दो प्रकार के कार्य करते हैं, दो प्रकार से जीवों को नियंत्रण करते हैं माया देवी। संसार के लोग आज माया देवी की आराधना कर रहे हैं, नवरात्रि उद्देश्य क्या है इसकी चर्चा आगे हम करेंगे, और माया देवी उनकी इच्छाओं को पूरा कर रहे हैं, पर यह माया देवी का उद्देश्य नहीं है। जिस उद्देश्य से वास्तव में माया देवी दुर्गा देवी यह नहीं चाहती, हम जिस कारण से जिस उद्देश्य से दुर्गा देवी की आराधना कर रहे हैं, माता दुर्गा यह बिल्कुल भी नहीं चाहती। इस विषय में हम कल चर्चा करेंगे। तो दुर्गा देवी चाहती क्या है, यह समझ पाना ही बुद्धिमत्ता है। और इस बात को समझ कर जब कोई दुर्गा देवी की आराधना करे तो उनकी आराधना सक्सेस सफल होगा, अन्यथा दुर्गा देवी हम जिस संसार के लोग जिस उद्देश्य से दुर्गा देवी की आराधना कर रहे हैं, इससे ये एक तो दुर्गा देवी स्वयं नहीं चाहती, और दूसरी बात इस प्रकार से हमें कोई वास्तविक लाभ प्राप्त नहीं होता है। अब भगवान की शक्ति, भगवान की स्वयं की शक्ति होने के नाते माया देवी जीवों पर बहुत ही करुणामयी है। वे जीवों को करुणा करते हैं, जीवों के लिए कल्याण करते हैं। वो कल्याण कार्य किस प्रकार, जो संसार के लोग नहीं समझ सकता, और जब तक इस बात को नहीं समझेंगे केवल भौतिक उद्देश्य के कारण माया देवी की आराधना करेंगे, तब तक माया देवी उनको इस जेल से बाहर जाने नहीं देंगी। वही माया देवी हमें इस जेल से बाहर लेकर भगवान के पास पहुंचाएगी, परंतु जब तक हम भौतिक सुख पाने के लिए उनकी आराधना करेंगे तब तक वो नहीं छोड़ने वाली। और इस बात की चर्चा हम कल करेंगे, आज नहीं हो पाएगा, आज समय कम है। तो बहिरंगा शक्ति माया देवी ऐसे जीवात्माओं को मूर्ख अज्ञानी तथा भगवान के चरण में अपराध करने वाला हम जैसे पतित आत्माओं को, संसार के ऐसे बद्ध जीव आत्माओं को दो प्रकार से नियंत्रण करती हैं, जो आपकी स्लाइड में दिखाया गया। एक वृक्षपात्मिका रूप में वे नियंत्रण करती हैं, यहां पर स्पेलिंग मिस्टेक है, ये ब के नीचे जो री मात्रा है यह नहीं होगा, ये ब में ई मात्रा हो, छोटी ई मात्रा होगा, स्पेलिंग मिस्टेक है। वृक्षपात्मिका वृक्ष नहीं, ये स्पेलिंग मिस्टेक है, इसलिए मैं क्षमा चाहता हूं। वृक्षपात्मिका, और दूसरा जो है आवरणात्मिका, ये दो प्रकार से जीवों पर नियंत्रण करती हैं। दो प्रकार से वृक्षपात्मिका, एक शब्द में यह कहा जा सकता है ये जो वृक्षपात्मिका यह माया देवी दुर्गा देवी का एक रूप है,
इस रूप में वो ऐसे जीवात्माओं को नियंत्रण करते हैं। और दूसरा आवरणात्मिका भी एक रूप है दुर्गा देवी की। विक्षेपात्मिका रूप में माया देवी क्या करते हैं, जीव आत्माओं को उनके कर्मों के अनुसार भिन्न भिन्न योनियों में उन्हें फेंक डालते हैं। जीवात्मा अपने इच्छाओं के अनुसार अपना इच्छा पूर्ति के लिए वो कार्य करते हैं। जीवात्मा भौतिक संसार में इच्छाओं को पूरा करने के लिए, और जीवात्माओं के कर्मों के अनुसार उनके उन जीवात्माओं को भिन्न भिन्न योनियों में वो क्या करते हैं, डालते हैं। विक्षेप मतलब विक्षेपण, सेपन शब्द का अर्थ फेंकना, फेंक डालना। विक्षेप मतलब विक्षिप्त तो करना, विक्षिप्त तो मतलब ऐसे ऐसे फेंक डालना, विक्षिप्त तो होना। इसलिए विक्षेप आत्मिका कहा गया। भगवत गीता में भगवान ऐसा क्यों करते हैं माया देवी, भिन्न भिन्न योनियों में जीव आत्माओं को क्यों फेंकते हैं, क्यों डालते हैं, क्योंकि जीव आत्मा भिन्न भिन्न इच्छाओं को पूर्ति करना पूरा करना चाहते हैं। जैसे अभी हमें मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ, ठीक है, संसार में ऐसे बहुत से मनुष्य लोग व्यक्ति है जो स्विमिंग करने के लिए बहुत शौकीन रहता है, वो जल में तैरना चाहते हैं और तैरने में वो बहुत शौकीन रहता है, बहुत कि वो दिन भर स्विमिंग करते रहे, उनका इच्छा रहता है। रात में नींद में भी वो सपना दिखते रहते हैं कि वो स्विमिंग कर रहा है, ठीक है। अब भगवान की माया देवी कहता, अच्छा तुम्हारा स्विमिंग करने का इतना इच्छा है, हा? जब शरीर छोड़ोगे अगले जन्म मछली का मछली योनि में आपको डाल देगा, जाओ स्विमिंग करो, इच्छा पूरा कर लो तो आपको मछली का शरीर मिलेगा, ठीक है। ऐसे ऐसे जैसे जैसे हमारा तुम्हें मनुष्य का शरीर दिया, मनुष्य उचित कार्य न करके कुछ और इच्छा कर रहे हो, जाओ तो मछली का शरीर दे देगा। संसार के कुछ लोग हाँ, मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ, पर मनुष्य शरीर प्राप्त होकर भी वो जानवर के तरफ बिना कपड़े में रहना पसंद करता है, वो कपड़ा पहनना नहीं चाहता, और अगर पहनता भी है इतना छोटा पहनता है और उसको अलग अलग नाम देता है ना, वो फैशन कहते हैं, ये फैशन है। अब भगवान की प्रकृति क्या करेंगे, चलो तुम्हें कपड़ा पहनने की इच्छा नहीं है, अगले जन्म में वृक्ष बन जाओ, कपड़ा पहनना नहीं पड़ेगा, जानवर बन जाओ, कपड़ा पहनना नहीं पड़ेगा। तो ऐसा शरीर देगा। तो ये जो भिन्न भिन्न योनियों में माया देवी हमें फेंक रहे हैं, इसके पीछे कारण हमारी इच्छाओं के कारण। भगवत गीता में भगवान कहते हैं, कारणम गुण संगस्य सद असद योनि जन्मसु। सत और असद योनि में हमारी जो जन्म लाभ हो रहा है इसका कारण है कारणम गुण संगस्य, प्रकृति की गुण के संग के कारण। यदि हम सतगुण का संग करेंगे तो हमारी इच्छा सात्विक इच्छाएं प्रकट होगा, रजगुण का संग होगा तो हमारे अंदर राजसी इच्छाएं प्रकट होगा,
तमोगुण का संग होगा तो तामसी इच्छाएं प्रकट होगा। अब जैसे जैसे इच्छाएं होती है माया देवी हमारी इच्छाओं के अनुसार योनि में डालते जाते हैं। इसीलिए माया देवी की इस कार्य को विक्षेपात्मिका कहा गया है। ये विक्षेपात्मिका रूप में जीवात्माओं को नियंत्रण कर रहे हैं। और दूसरा आवरणात्मिका रूप, इस रूप में माया देवी जीव आत्माओं के शुद्ध चेतना को आवृत कर देते हैं, आच्छादित कर देते हैं। इस संबंध में गीता में भगवान बताते हैं, धूमेनावृते बन्नी यथा दर्शो मलेन च। जिस प्रकार धुएं के द्वारा अग्नि आवृत रहता है, जरायु के द्वारा गर्भ आवृत रहता है और धूल के द्वारा दर्पण आवृत रहता है, उसी प्रकार जीवों की शुद्ध चेतना काम द्वारा, काम मतलब वासना, कामना, इच्छाओं द्वारा आवृत रहता है। कामना द्वारा, वासना द्वारा शुद्ध चेतना आवृत हो जाता है। अब वो इच्छाएं, वो कामना सात्विकी हो सकता है, राजसी हो सकता है, तमसी हो सकता है, और जैसा होगा ऐसे उसके अनुरूप विक्षेपात्मिका रूप में वो कार्य करेंगे। तो इस प्रकार से माया देवी इस संसार में जीवों पर, जीवों को नियंत्रण कर रही है। तो आज हमने यह चर्चा किए हैं, माया देवी जीव आत्माओं को किस प्रकार नियंत्रण कर रही है, माया देवी का परिचय क्या है, और ये जीवों के ऊपर अपना कार्य किस प्रकार जीवों को नियंत्रण कर रही है। बस इन दो बातों पर हमने चर्चा किया, माया देवी कौन है, उनका परिचय क्या है, उनका स्वरूप क्या है, ये कौन है, इस संबंध में हमने यह चर्चा किया। वे भगवान की दिव्य शक्ति है जो भगवान के इच्छा के अनुसार, भगवान के निर्देशना के अनुसार कार्य कर रही है। यह संसार एक जेल, दुर्ग, दुर्गा नाम है, दुर्ग शब्द से दुर्गा शब्द आया। दुर्ग मतलब फोर्ट, फोर्ट मतलब किला, है ना। राजस्थान में बहुत सारे फोर्ट है, कहीं भी जाओगे फोर्ट दिखेगा आपको। तो इस किले का जो इंचार्ज है, इस भौतिक संसार रूपी फोर्ट, इसका इंचार्ज है दुर्गा, दुर्गा देवी। पर दुर्गा देवी दुर्गति नाशिनी, वास्तव में जीवों की दुर्गति नाश करना चाहती है, और उन जीवों की दुर्गति को नाश करती है कैसे और किस प्रकार से, इसकी चर्चा काल हम करेंगे। तो दुर्गा देवी की आराधना करना, करने वालों को यह अच्छे तरीके से समझना चाहिए कि जब ये भगवान की अपनी शक्ति है तो जीव भगवान के संतान है, तो ये भगवान के संतानों को वे इतना कष्ट क्यों दे रहे हैं। ये भगवान की अपना शक्ति है, भगवान शक्तिमान है, भगवान यानी समस्त जीव आत्माओं के माता है ये, तो मां होकर संतानों को कष्ट क्यों दे रही है ये, इसका स्पष्टीकरण हम कल करेंगे। कोई मां अपने बच्चों को, संतानों को कष्ट देता है क्या, या देना चाहता है क्या? नहीं चाहती, कोई भी माता नहीं चाहती ये अपने संतान को कष्ट पहुंचाए। तो माया देवी वास्तव में समस्त जीवों के माता है, भगवान पिता है, तो मां होकर संतानों को कष्ट क्यों दे रही है। और माता संतान को कष्ट कब देते हैं और क्यों देते हैं,
क्या वास्तव में मां चाहती हैं संतानों को कष्ट मिले? नहीं ना। तो इन बातों की चर्चा हम कल करेंगे। किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। किसी का जिज्ञासा है तो हाथ उठाइए। हाँ अजय गरम पूछ। हरे कृष्ण, मुझे जगत प्रणाम। प्रभु जी, मेरे एक जिज्ञासा थी कि हम कहते हैं कि जो सृष्टि करता है ब्रह्मा है, और ये भी कहते हैं कि दुर्गा देवी शरीर प्रदान करती है, तो इसमें स्पष्टीकरण कैसे प्रभु जी, कौन शरीर प्रदान करता है? सृष्टि ब्रह्मा जी करता है, दुर्गा जी करती है? बहुत सुंदर प्रश्न। आपका मैंने सुना था आपका कोई फैक्ट्री है जी। क्या फैक्ट्री है? मैदे का है प्रभु जी। हाँ, आटा मैदा, मैदा बना, आटा मैदे का है ना। तो ये आटा मैदा आप बनाते हो या आपके कर्मचारी बनाते हैं? कर्मचारी बनाते हैं। पर संसार में तो आपका ही नाम आता है ना, आपके द्वारा बनाएंगे आटा। आपका नाम क्या है? भूल गया मैंने, इसलिए। अजय गौरंगदास। अजय है, अजय गौरंग प्रभु के चक्की के आटा। किसी एम्प्लॉय, किसी लोग, कोई व्यक्ति यह बोलता है क्या कि आपके एम्प्लॉयर का नाम लेता है क्या? आपका नाम लेता है या एम्प्लॉयर का नाम लेता है? मेरे नाम लेता है। तो आटा कौन बना रहे हैं, आप बना रहे हो या एम्प्लॉयर बना रहे हैं? दुनिया की नजर में मैं बना रहा हूँ। दुनिया के नजर में आप बना रहे हो। ऐसा ही ब्रह्मा जी सृष्टि कर रही है, पर माया देवी सृष्टि कर रही है। यहाँ ब्रह्मा जी वो एम्प्लॉयर जैसे हैं और प्रकृति है आप जैसे हो। समझे बात को? ठीक है, और कोई प्रश्न? और कोई जिज्ञासा है तो आप? हाँ मदन गोविंद पूछ। यस बोलिए प्रभु जी। जैसे आपने बताया कि योग माया और महामाया दोनों विस्मृत। आपका साउंड उतना क्लियर नहीं है मेरे हिसाब से, थोड़ा आवाज बढ़ाता हूँ। हाँ, जैसे आपने बताया कि योग माया और महामाया दोनों जीव को विस्मृत करती हैं, लेकिन अंतर ये है कि योग माया जीव को भगवान के निकट लेके जाती है और महामाया जीव को दूर लेके जाती है। अब जो विस्मृति है प्रभु जी, साक्ष्य भाव में या वात्सल्य भाव में या माधुर्य भाव में विस्मृति समझ आती है कि भगवान के ऐश्वर्य को छुपाने के लिए विस्मृति, लेकिन दास्य भाव में विस्मृति कैसे कार्य करती है मुझे समझ नहीं आया। दास्य भाव में भगवान की ऐश्वर्य को विस्मृति होता है हर हर रस में, प्रत्येक रस में ही, पांच मुख्य रस में ही, दास्य भाव में भी भगवान की योगमाया भक्तों को भगवान के रूप में समझने नहीं देते। बहुत सुंदर प्रश्न। किस प्रकार से? इस प्रकार से मोहित रखते हैं